श्री यमुना जी तिहारो दरस मोए भावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोए भावे, वृंदावन के निकट बहते हो, वृंदावन के निकट बहते हो, लहरन की छवि आवे, लहरन की छवि आवे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोए भावे, सुख देनी दुख हरनी श्री यमुना जी, ओ सुख देनी दुख हरनी श्री यमुना जी, परम धाम पहुँचावे, परम धाम पहुँचावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहे भावे, श्री मदन मोहन जुकी खरी है प्यारी, श्री मदन मोहन जुकी खरी है प्यारी, पटरानी जो कहावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहे भावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहे भावे, श्री गोकुल के निकट बहत मैया, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। तो आज हमारी ब्रज यात्रा आ चुकी है हमारे सभी के, इस पूरी दुनिया के हृदय सम्राट श्री बांके बिहारी जी के धाम वृंदावन धाम में, और हमारे साथ हैं आज श्री यमुना दास जी। और अभी हम विहार कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं यमुना जी में। आप सभी लोग वृंदावन तो आते होंगे, पर आज तक आपने यमुना मैया के बारे में कुछ नहीं सुना होगा ज़्यादा। तो आज हमारे यमुना दास जी आपको बताते हैं यमुना मैया की जो भी महानता है, इसका जो भी इतिहास है, इसको क्यों पूजा जाता है, इतनी पूजनीय क्यों है, उसकी पूरी जानकारी, पूरी विस्तृत जानकारी आपको देंगे हमारे यमुना दास जी। यमुना दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने रसरानी की, श्याम सुंदर श्री हमने पटरानी की। तो भैया आपने पूछा था कि यमुना जी की विशेषता, तो यमुना जी की विशेषता मैंने क्या कहूँगा, मैं तो बच्चा उनका दास हूँ, यमुना जी का बालक हूँ जी। पर यमुना जी से आपको थोड़ा सा प्रेम प्रिय इनकी रसभरी आपको लीला बता सकता हूँ, जो हमारे पूर्वज हमारे ऋषि संत हुए जो उन्होंने विस्तार से कहा जी, कि यमुना जी तो भगवान की वो प्रिय पटरानी है जो ठाकुर जी को कभी उन्होंने कभी भी निगाह भर के नहीं देखा जी, भगवान के यहाँ तक ही उनका बस निगाह रही है, नैन कभी नहीं देखे, नैन भंग कर डारे प्रिया लाल द्यारे, श्री जी के जो अखियाँ हैं और जो ठाकुर जी के नैन हैं, क्योंकि यमुना जी श्री कृष्ण स्वरूपा हैं जी, और यमुना जी का जो मधुर उनका जो मुखड़ा है श्याम स्वरूप नीलवरण यमुना जी, इतना मंद और अचलित, इतना सुंदर उनकी जब झांकी के दर्शन होते हैं यमुना जी के, पर यहाँ तो यमुना जी के और ठाकुर जी के, यमुना जी के भीतर भी जो हमारे यहाँ के हैं, जो कालिंद्री दिखे जी, ये कालिंद्री स्वरूप है यमुना जी, कारी दिखे और हाथ में लेके देखोगे सफेद है, ये तो महिमा देख लो आप भी दूर से देखोगे, हाथ में लेके देखोगे सफेद और वैसे दिखने में कारी लगेंगे, तो कृष्ण स्वरूप आए श्री यमुना जी। दूसरी बात क्या है कि श्री धाम वृंदावन में श्री यमुने महारानी
जैसे परिक्रमा लगा के वृंदावन को अंक कोट उन्होंने गोल भर रखो हो, जैसे कांक में ले रखी है यमुना जी भर रखी है वो, तो वो यमुना जी का वृंदावन को, जैसे वृंदावन में यमुना जी ना होती तो भगवान बिहार कैसे करते, लीला कैसे करते, ठाकुर जी की इच्छा है बिहार करने की तो कैसे बिहार होता, बिना यमुना जी के तो बिहार होता नहीं, नहीं, नहीं। और भाई यमुना जी श्रेष्ठ है हमारे वृंदावन में। दूसरा क्या है, भगवान की 16108 पटरानी में तो ये प्रथम यमुना जी है। अच्छा। हम बैकुंठ की गोलोक की बात नहीं करते हैं, हम तो श्रीधाम वृंदावन की बात करते हैं, ये ब्रजमंडल की बात करते हैं। हमारे ठाकुर का जन्म हुआ क्योंकि यमुना जी ने हजारों वर्ष तपस्या की है भगवान को पति के रूप में मानने के लिए। दिल्ली में एक जगह है वहाँ उन्होंने तपस्या करी है, तो एक सत्य ऋषि उनको ऋषि मिले हैं, तो वह कहने लगे देखो ये छोटी सी कन्या है कब से बैठी हुई हैं और क्या इनकी इच्छा है जिनसे पूछो। तो संत जब गए हैं ऋषि उनके पास तो कहने लगे लाली तो को इतने मध्य में इतने छोट बाल स्वरूप में आप कौन को ध्यान लगा रही हो, क्या चाहती हो, कैसी भक्ति है तेरी, किसका भजन कर रही हो। तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में मानने की इच्छा है जी। मैं उनको अपना पति स्वरूप में मानना चाहती हूँ। तब ऋषि ने महापुरुष थे भगवान का रूप बन के ही गए थे, ऋषि का ही रूप बन के गए थे, ठाकुर जी गए साक्षात उसी स्वरूप में गए, तो माने कि देख कन्हैया को जन्म होगा फलानी तारीख फलाने दिन भरोर रात होगी और भगवान को जन्म होगा, तू चली जा मथुरापुरी मथुरा में जी। तो यमुना जी वहाँ से जब आई है घमासान करती भाई, अच्छा बहुम धड़ाम करती भाई, बड़ी तेजनते बड़ी स्पीडनते बहुत अरा करती भाई, जल की धारा करती भाई, तोड़ती फाड़ती पहाड़न ने चीरती भाई, घमासान बजरिया छा रही है और राम राम करती भाई श्री वृंदावन है ते सीधे मथुरापुरी। भगवान का जन्म हुआ, यमुना जी परीक्षा करने लगे विश्रात घाट पर, ठाकुर जी जब यमुना जी की ओर वासुदेव जी लेके गए हैं कि जाके दूँ नंद वहाँ वहाँ से जो हाँ जो वहाँ जब बच्चे ने जन्म लिया लड़की ने उसको ले जाऊँगा, वहाँ योग माया का जन्म हुआ था। तो जब लेके जा रहे हैं वासुदेव तो थोड़ा थोड़ा जल है यमुना जी को, और सोई यमुना जी आगे बढ़ते जाएँ, वासुदेव भी यमुना जी बढ़ती जाएँ और सोई गर्दन गर्दन पर जल, भगवान समझ गए कृष्ण लीला में, हाँ भगवान समझ गए, आपने देखा होगा भगवान समझ गए ये तो साक्षात है, क्या यमुना जी मानेंगे नहीं अब तो मेरे पिताजी। तो माने गई डाली तक पानी आ गो, माने की ससुर जी मुँह दिख जागो तो उन्होंने घूंघट तो कर ले पीछे तो ये का चरण में थे भगवान ने पहन कहते ना पालना टोकरी से चरण निकाले, तो कहते चरण छूत्री यमुना जी घोंटू घोंटू दे दिया पानी। तो वसुदेव जी घबराने लगे, माने मैं डूबा तो डूबा मेरा बालक भी डूबा, तो हल्ला करने लगे कोई लो कोई लो कोई लो कोई लो लाला को कोई भी लो, आज भी कच्चा कोई लो गाँव बसा हुआ है। तो यमुना जी को सबसे प्रथम भगवान के चरण स्पर्श के जो करने मिले, यमुना जी ने सबसे पहले यमुना जी ने भगवान के चरण स्पर्श करे, बाकी बाद में यमुना जी ने मार्ग दिया वासुदेव जी को, कहते जन चरण छू उतरी यमुना जी घोंटू घोंटू दे दिया पानी, यमुना भे दूध की धारा मूर्ख जाने पानी, यमुना श्री के सब की पटरानी, भगवान की प्रथम पटरानी यमुना जी है यमुना जी। दूसरी बात यमुना जी का आचमन और स्नान करने का क्या फल है जी, ऐसा कहते हैं ये घाट है केसी घाट, दिखाओ ये केसी घाट है, इस घाट वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि केसी घाट पे एक बार आचमन करने की पद्धति सैकड़ों बार यमुना जी के सुनो यमुना यहाँ घाट पे एक बार आचमन की पद्धति ये वेद पुराण में लिखा हुआ है इसको बोल लें, तो यहाँ एक बार आचमन की जो पद्धति है वो 100 बार गंगा जाके नहाओगे तब उसका फल प्राप्त होगा, एक बार आचमन करने से 100 बार गंगा नहाना पड़ेगा। तो मान कि ये वृंदावन की यमुना जी की इतनी बड़ी महिमा है, तो जो भी यमुना जी में जो आके आचमन करे स्नान करे इनकी सेवा याचना करे वो कभी धर्मराज के यहाँ उसकी उपस्थिति नहीं है हाजिरी नहीं है,
कभी भी उनको यमलोकपुरी नहीं जाना पड़ता है, ना धर्मराज यमराज के पार्षद लेने आते हैं, वहाँ से कैंसिल हो जाता है। दूसरी बात, भगवान की यमुना जी का स्नान का जो महत्व तो है, ऐसा जो भैया दौज के दिन जमुना जी ने कहा, जमुना जी जब धर्मराज जी के घर गई हैं तो उन्होंने जाके देखा इतने वैष्णव वहाँ दुख भोग रहे हैं और बड़े कष्ट पा रहे हैं, पीड़ा चल रहे हैं, भोग पाने वैष्णव हैं, तो जमुना जी को देखा नहीं गया। तो बाने गई है कहा कैसे इनका उद्धार हो, तो जमुना जी जब धर्मराज जी के पास से मिल के आई हैं तो उदास होकर बैठ गई हैं अपने कुंज में, तो यूँ ले लिए अपनी कुंज में उदास होकर बैठी है। अरे माने ये तो बड़ा परेशानी है इनको, तो सब कष्ट हो गए। तो धर्मराज जी कई दिन से सोचने लगे, यमुना जी जब ते गई हैं उनने अभी तक खबर सुध नहीं लिया मेरा, ये कैसे हो कैसे ना, कुछ परिचय नहीं दिया, कोई परेशानी तो नहीं। तो धर्मराज आए हैं तो यमुना जी से कहने लगे, माने प्यारी आप मेरी बहन हो, जब ते आप आई हो आप कैसे उदास बैठी हो, कोई कचू मोती गलती है गई कि आप परेशान हो, मुझको बताओ। तब कहा कि भैया मैं सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ। मैंने कहा कहना चाहो बताओ, आप मेरी बहन हो, मैं करूँ कि भैया आपको कभी भी समय मिले, कभी समय मिले तो मेरे घर आई हो तुम। यमुना जी बोली, धर्मराज बोले, ज़रूर बहन मैं आऊँगी, मैं आऊँगो। तो भैया दौज के दिन यमुना जी का घर है मथुरा, जहाँ विराजमान द्वारकाधीश, जहाँ द्वारकाधीश है विश्राद घाट के पास, यमुना जी का धर्मराज जी के पहुँचे यमुना जी के पास, तो यमुना जी दो रूप स्वरूप बनाए, एक तो है ही यमुना जी और दूसरा स्त्री का। तो हाथ पकड़ के जोड़े थे दोनों बहन भैया नहाए, क्योंकि शनि की और यमराज की बहन है, दोनों सूर्य पुत्री है, यमुना जी कौन है, सूर्य पुत्री है, शनि और यम दोनों बहन भाई है, नवग्रह के मालिक कौन है, सूर्य। तो माने गई दोनों हाथ पकड़ के जोड़े, जब इन्होंने स्नान किया तो धर्मराज बड़ा खुश हुआ, माने बहन आज तो तेने खूब कृपा करी, तो टीका किया, मिठाई खिलाई और भी बड़ा प्रसन्न भयो। तो माने गई बहन आज तुम मुझसे कुछ मांगना चाहे तो तुम उते निस्वार्थ भाव से मांग ले, मैं आपको दूंगो। तो यमुना हाथ जोड़ के, भैया मेरे पास सब कुछ, मुझे कुछ ना चाहिए, तो तू प्रसन्न रहे, तेरे बालक खुश रहे। मैंने अच्छा, मैंने बहन नहीं, आज के दिन तो आपे मैं खाली हाथ ना जान दूंगो, आज तो तुम मेरे प्राण भी मांगोगी मैं आपको दूंगो। तब यमुना जी ने कही कि भर तुरवाचा जल ले हाथ में और संकल्प कर कि जो मैं मांगूंगी तुम मुझको देगो देगो देगो। धर्मराज बोलो, जो मांगोगी दूंगो दूंगो। ठीक है, तब यमुना जी ने कहा कि कोई भी भगत और मुझ में आए के स्नान करे, मेरी ध्यान लड़ाए, आचमन करे, उतरे लोक को नहीं आएगा। धर्मराज तो सोचना पड़ गया, अरे माने बहन आपने क्या मांग लिया, मनुष्य एक दिन हर रोज पाप करेगा, अपराध करेगा, एक दिन आप में आगे गोता लगाएगा, मेरा यमराजपुरी तो पूरा खाली पड़ा रहेगा, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये तुमने क्या मांगा। कि नहीं बहन, जो मैंने तुमसे वायदा किया है, तो जो भी भाई बहन के जोड़े से आएगा और मोमन नहाएगा भैया दोष के दिन, तो जो भी भाई बहन के जोड़े से नहावेगा वो मेरे यमलोकपुरी नहीं आएगा। तो बहन ने ये वचन लिया, यमराज ने ये दिया जी। तो ऐसा बताते हैं कि धर्मराज के उस वरदान के समय यमुना जी ने कहा कि जो भी मुझ में नहाएगा वो यमलोकपुरी नहीं आएगा। माने बहन जो स्वतंत्र रूप से वैष्णवी रूप से वैष्णव भाव से आपको दंडौत भी करेगा तो मैं बाबू क्षमा ही करूँगा। तो ऐसा कहते कि यमुना जी के आचमन और स्नान से जो पद्धति है, यमुना जी का जो हो गया उसको धर्मराज भी हाथ नहीं लगाते हैं, उसको कोई भी सीधा गोलोक का निवास होता है जो यमुना जी का हो गया। कहते ना, वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहते यमुना पट रानी, जो नितिन हाय के ध्यान धरे गौलोक मिले तिनको पजरा, गौलोक मिले तिनको रजधानी, वेद पुराण बखान करें और संत मुनि जिनके मन ज्ञानी, यमुना यम दूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिका रानी।
तो यमुना जी क्या है, भगवान के हृदय में जो आ रही है लीला जी, भाई यमुना जी तुरंत प्रकट करके नहीं लिए सेवा तैयार कर रही हैं, जो ललिता विशाखा की सेवा है जी। मगर भगवान के लिए यमुना जी कितना ख्याल रख रही हैं, इसीलिए ठाकुर जी के हृदय में एक पल आई कि मैं ऐसा सुंदर सरोवर हो और सुंदर ये चीज़ गुलाब जल हो, फूल हो, सुंदर सुंदर है क्या, वहीं सुंदर झरना बना हो सात मंदिर का, और वहाँ से ठाकुर जी रखते हुए आ रहे हैं, खेलते कूदते आ रहे हैं सब ऋषियाँ, तो श्रेष्ठ पहले ही यमुना जी बना के खड़ी हैं कि चलो तैयारी है गई है। तो कह रही हैं चलत प्यारी प्यारे जू के संग, चलत है प्यारी प्यारे जू के संग, चलत है प्यारी। अब कैसे चल रहे हैं, दोनों हाथ में हाथ देकर नहीं है, ठाकुर जी एकदम बइया पकड़ के नहीं है, कमर पकड़ के नहीं है, और दोनों अच्छे सखी जगह आगे आगे फूल उछार दी चल रही हैं जी। फूल नैन में प्रिय शोभा अति प्यारी, नटवर नंद के सो चलो प्यारी प्रिया जू के संग में, इन्हें पोलनन की ओ। कह देखे चलो प्यारी जू, वहाँ सुंदर सेवा पहले तैयार है गई है, सरोवर बना दिया है, कौन ये प्यारे सेवा करी है तिहारी, कौन ने प्यारे सेवा करी है तिहारी, कौन ने तैयारी करी है ठाकुर जी तो बना बताओ, कितना सुंदर सरोवर जी बनाया है। अरे हृदय में बसे हैं श्री यमुना प्यारी, हृदय में बसत है श्री यमुना प्यारी, यहाँ ते नेक से यहाँ ते नेक से तो यह जानी, हृदय में बसी भई हैं और हृदय में बसी हैं तुरंत समझ जाएं मैं क्या चाहूं, ये इतनी चंचल हैं तुरंत सेवा में शुरू हो जाएं। अरे प्यारी जू आपने ये करी, तो एक दूसरे से राधा रानी और श्री यमुना जी सखी सचरी हैं ना, तो दोनों मिल रही हैं एक दूजे में दो समाए, तो सब फिर सखी के संग ठाकुर जी अब भी वहाँ यमुना जी क्या कर रही हैं, श्रेष्ठ अलग खड़ी हैं, फूल पुलाव और गुलाब जल लेकर नहीं छिड़क रही हैं एक हाथ पे तो एक ते, फिरावत चमर अति सुंदर प्यारी, नैन भये विमल रस भोर हरि ओ प्यारी, चलो पोन नन की। यमुना जी की भगवान जब इतने प्रसन्न है के ठाकुर जी इतने विवल बोर है के नहीं, यहाँ बाकी अंदर सरोवर के अंदर कूद रहे हैं ठाकुर जी, बड़े गदगद खुश और बड़े बड़े उनके हृदय में इतने बात्सल उठ रहे हैं, तो यमुना जी वाह दृश्य वाह दृष्ट को देख के वाह लीला को देख के ठाकुर जी बिल्कुल जैसे समझो दो दिना को बालक खिल रहे हो कोई नेक्स्ट और चंचल इतने ठाकुर जी, कब ऊपर ते ललेड़ी में कूदे, कब झरना में आ जाए, कभी सात मंजिल पर फूल बिखरावत है अनेक सखी फूल, बिखरावत है अनेक सखी फूल, यमुना पुलन में सोरस बरसत। श्री राधा रानी पीछे पीछे चल रही है, कभी ठाकुर जी धक्का दे रही हैं, कभी ठाकुर जी ऊपर घूम, सात मंजिल का महल महल है ना सात मंजिल का, तो झरों का झरना में थे, कभी राधा रानी को ठाकुर जी धक्का दे रहे हैं, कभी ऐसी वा लीला को देख के नैया धवल राधा रानी यमुना जी के श्रेष्ठ नैन भर आए हैं, रस बरस रहा है, ऐसी गदगद या लीला को देख के नैया, तब कह रही हैं एक पलक उठाना नहीं एक लगे, तो कह रही हैं अरे प्यारे जू
आपको बड़ी भूख लगी आई होगी। सुंदर फल सुंदर हलुआ सुंदर सखल कचौड़ी प्यारी केसर बारी खीर प्यारी लहंगा फेरे जैसे मेवा। कैसी खीर है, सुंदर कचौड़ी है, सुंदर सुंदर फल हैं, सुंदर सुंदर अरोग हुए कि उनके लिए सब सामग्री रखी है। खीर कैसी है, जैसे लहंगा फेरे वैसे खीर की मेवा नाच रही है, केसर फैली रही है, है? अब ठाकुर जी भोग लगा भी करें, आ जाओ। अरे चंचल आए दो दो प्रिय, चंचल आए दो दोनों प्रिय, अब पाओ बैठ गए, चमर घुमा रही है दोनों। अब बताओ अगर कोई एक की घरवारी हो, है एक घरवारी हो, एक आदमी की 10 घरवारी हो या 50 घरवारी हो, एक घरवारी के संग ज्यादा प्रेम दिखाएंगे तो दूसरी नकल लगी ना लगे। और यहाँ श्री जी को वो प्रेम वो भाव यहाँ कही है, दो ठगियन के बीच में जमुना मैया फंस गई हैं। ये लीला में अगर घुस जाएंगे तो बहुत लंबी लीला आ जाएगी। जब दुर्वासा ऋषि जी पर भगवान ने जब यहाँ कहा है ना कि कृष्ण अगर सदा ब्रह्मचारी हैं तो जमुना जी मार्ग दे दो, ये भ्रष्टार की अलग लीला है। परंतु वहाँ यहाँ कही है, यहाँ जब लीला को देख के भगवान और दोनों बैठे तो चमर घुमा रही श्री जी, उनकी आरती उतार रही हैं, उनको सुंदर सेवा में नित्य कमल दे रही हैं, सुंदर कमल फूल दे रही हैं, ऐसे ऐसे जो कमल जो कहीं ना खिले वो यमुना जी उनको श्रेष्ठ सेवा में दे रही हैं। तो ऐसी श्री यमुना जी की मधुर भरी लीला है, जितना कहोगे उतना ही कम है। परंतु श्री श्री यमुना जी की श्रेष्ठ लीला जिनको रसिकों को जानना चाहिए, यमुना जी की पुलिन में बैठ के कभी भी वृंदावन आए कोई प्रेमी कोई भगत तो वृंदावन में भटकना ज़्यादा नहीं है जी, एकांत होकर पुलिन में आगे बैठ जाओ, सिर्फ निहारते रहो यमुना जी को, तुरंत ना तुरंत श्याम सुंदर श्री जी के संग कोई लीला कर देंगे, क्योंकि लीला यहाँ कोई विश्राम नहीं है, नवनित तरंग भरी लीला है, चलती रहे रोज लीला नहीं प्रकट हो, भगवान रोज नवनित लीला करते हैं। ये तो लीलाधारी है भाई, यहाँ लीलाधारी ठाकुर है, हम कोई गूंगे ठाकुर की सेवा थोड़ी करते, हम तो बोलते ठाकुर की सेवा करते हैं। हमारा ठाकुर बोलता भी है, खाता भी है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, गारी भी सुनता है साक्षात, ये प्रेम है जी, प्रेम है, गारी खावे गारी सुने, ग्वाल वालन के संग क्या है जी, ये बटर गस्ती आनंद तो दियो। परंतु आम आदमी ऐसा आदमी थोड़ी भगवान को उल्टा सीधा बोल सकता है, नहीं वो तो प्रेम विबल है, प्रेम ही प्रेम ही है, और प्रेम का सार ही वृंदावन है। बोलो श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्याम सुंदर श्री हमने रसरानी की जय, श्याम सुंदर श्री हमने पटरानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बल्लवाधीश की जय, बल्लभ कुल के सभी देवता देवतीन की जय जयकार हो। जी भैया यमुना जी का आज विश्राम, जो भी बाणी से कुछ गलत हुआ हो हे यमुना जी हे रसिकजनो कोई सवैया क्षमा करना, जो मुझ पर बताया गया जैसा भी टूटी मूटी बाणी थी आप स्वीकार करें। जय बिहारी, धन्यवाद यमुना दास जी, आप जय बिहारी जी की, आपको भी बड़ी बड़ी खूब खूब धन्यवाद। आप वृंदावन धाम पधार के आप सबको अपने भाव से कुछ समझाना चाहते हो, कुछ दिखाना चाहते हो, सबसे बड़ी बात क्या है कि वृंदावन आए गूंगे भैरे की तरह चले गए, चेटी चीटा थोड़ी मानने आए हैं जी, जी बिल्कुल यार, चेटी चेटा मिलने आते हैं लोग, चेटा चेटी मानने मत आओ, कर्म धर्म देश भर सब करने आओ जी, दर्शन भी करो, दान भी करो, धर्म भी करो, कर्म भी करो, खाली चेटा चेटी मार के चले जाओगे तो कहीं जगह ना मिलेगी। जय जय श्री राधे। तो आज की वीडियो में हमारे यमुना दास जी ने आपको यमुना जी का महत्व बताया, हमारी यमुना मैया का महत्व बताया, उसके नीर का महत्व बताया और वृंदावन आने का महत्व बताया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। ऐसी ही अनोखी वीडियो हम लाते रहेंगे अपने चैनल पर, जिससे कि आपकी ज्ञान की वृद्धि भी हो और आप जब भी हमारे इस ब्रज 84 कोस में आएँ तो आपको हमारे जो भी पुराने के यहाँ स्थान हैं और जो भी यहाँ पर हमारी यमुना मैया हैं, हमारे बांके बिहारी जी हैं, हमारी राधे मैया हैं, उनके बारे में कैसे आपको दर्शन करने, क्या उनकी मानता, क्या उनसे इतिहास जड़ा हुआ है, उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बोलते हैं जय जय श्री राधे।